हेलो फ्रेंड्स, आई एम दीपाली। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे हम घर में इजीली अपने A4 साइज पेपर से बटर पेपर बना सकते हैं, जो कि हमारी डिफरेंट बेकिंग डिशेस में काम आता है। उसके लिए सबसे पहले हमको चाहिए एक प्लेन A4 साइज पेपर। प्लेन मैं इसलिए कह रही हूँ कि उसमें लाइंस नहीं होनी चाहिए और वो कलरफुल भी नहीं होना चाहिए। एक वाइट प्लेन पेपर आप ले लें, A4 साइज़ भी ले सकते हैं, और जो साइज़ आपको कंफर्टेबल हो वो ले लें, जो आपके घर में अवेलेबल हो। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, इस पे हमको एक ऑयल अप्लाई करना है। सिंपल रिफाइंड ऑयल आप ले सकते हैं जो कि हम घर में यूज़ करते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि जैसे कोकोनट ऑयल हो गया या ऐसा कोई ऑयल हो गया जिसमें अपना एक महक है, वो मत लीजिए, नहीं तो वही महक आपके डिशेज में भी आ जाएगी। तो इसको अप्लाई करना है, सिंपली आपको इस ऑयल को अप्लाई करना है। इसके लिए आप इस तरह का एक ब्रश ले लें, और अगर ब्रश नहीं है तो मैं आपको एक दूसरा तरीका भी बताऊंगी। आपको इस तरह से अप्लाई करना है पूरे में, पूरे पेपर पे आपको सिंपली ऐसे अप्लाई करना है जैसे बच्चे ड्राइंग करते हैं ना, वाटर कलर अप्लाई करते हैं पूरे में, बस उसी तरह सिंपली आपको ये ऑयल अप्लाई करना है। अच्छा, ब्रश नहीं है आपके पास तो चिंता की बात नहीं है, इस तरह का एक कॉटन बॉल ले लीजिए। कॉटन बॉल तो सबके पास होती है। कॉटन बॉल अपना डिप किया आपने, थोड़ा सा ऐसे करके डिप कर लिया ऑयल में, और फिर उसको पूरे में अप्लाई कर दिया। अब देखिए कि पूरा अप्लाई हो गया, जहां जहां आपको लग रहा है कि अप्लाई नहीं हुआ है वहां पे आप उसको अप्लाई कर दीजिए, पूरा कवर कर दीजिए। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक टिश्यू लेना है, या फिर इस तरह का एक क्लॉथ भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक इस तरह का टिश्यू यूज़ किया है। टिश्यू से हम ये जो एक्सेस इसमें ऑयल लगा हुआ है वो हम वाइप कर देंगे। आराम से अच्छे से वाइप कर देंगे, और फिर इसको हम फ्लिप कर लेंगे और दूसरी साइड से भी हम इसको वाइप कर देंगे। जब तक हमें लगेगा कि हमारा ऑयल है इसमें, चमक रहा है, दिख रहा है, हम इसको अच्छे से वाइप करते रहेंगे, और फिर हमको एक रिजल्ट मिलेगा, एक ट्रांसलूसेंट पेपर के रूप में, जो कि एकदम वैसा ही है जैसे कि बटर पेपर हम यूज करते हैं। वैसे ही देखिए, हमको घर बैठे बैठे A4 साइज से हमने अवेलेबल जो भी पेपर था हमारे पास उससे हमने बड़ी आसानी से बटर पेपर बना लिया है। थैंक यू सो मच।